राज के फार्म हाउस में पार्टी चल रही थी। दिन भर काफी बारिश हुई थी तो मौसम में ठंडक भी थी, तो पार्टी में और मजा आ रहा था। तभी रोहित को एक कॉल आता है और वो दूसरे रूम में चला जाता है। वो जब वापस आता है तो देखता है कि पार्टी रूम में कोई नहीं है और पूजा की डेथ हो गई है। रोहित जोरों से चिल्लाता है, पूजा पूजा। उसकी आवाज सुन के सबसे पहले वहां कबीर आता है और फिर बाकी लोग आ जाते हैं। मेहुल पास में ही था, केस सॉल्व करने के लिए वो तुरंत वहां पहुंच जाता है। सीन को देख के मेहुल कुछ चीजें ऑब्जर्व करता है। लॉजिकल आर्मी, आप भी पॉज कीजिए और सोचिए आपको क्या क्या समझ रहा है इस पूरे सीन को देख के। फुटस्टेप्स के निशान अंदर आए हैं और फिर बाहर गए हैं, और ये सारे लोग फुटवेयर नहीं पहने हुए हैं, मतलब बाहर से कोई अंदर आया था। जूस का ग्लास भी टूटा हुआ है और उसमें खून लगा हुआ है, मतलब मर्डर इसी से हुआ है। राइट वाला डोर खुला है और नौबस अंदर से है, मतलब डोर अंदर से खोला गया है। मेहुल सबसे पूछताछ करता है। राज कहता है, मैं किचन में था नेहा के साथ, नेहा के लिए जूस बना रहा था। सिमरन कहती है, बाहर ठंडी हवा चल रही थी तो मैं अपना जूस ग्लास लेकर बाहर चले गई थी। नेहा कहती है, हाँ मैं राज के साथ थी, मेरा ग्लास रिफिल करने गई थी। रोहित कहता है, मैं कॉल पर बात करने के लिए बाजू वाले रूम में गया था, मैंने ही सबसे पहले पूजा की लाश देखी और सबको बुलाया। कबीर कहता है, मैं टेबल पे अपना ग्लास रख के वॉशरूम गया था, रोहित की आवाज सुनकर मैं यहाँ आया। जब मैं यहाँ आया तो देखा कि पूजा की लाश पड़ी थी और लाश के पास रोहित खड़ा था और दरवाजा खुला था। क्या आप क्राइम सीन को देखकर बता सकते हैं, जो डोर ओपन करके अंदर आया था क्या उसी ने खून किया होगा? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। नहीं, उसने खून नहीं किया था, क्योंकि खून जूस ग्लास से हुआ है और आसपास में टूटा हुआ ग्लास भी पड़ा हुआ है और जूस भी पड़ा हुआ है। अब फुटप्रिंट्स के निशान जूस के ऊपर आने और जाने के दोनों है, मतलब ग्लास पहले ही टूट चुका था, जूस भी गिर चुका था और खून भी हो चुका था। जो बाहर से आया वो उसके बाद आया। मेहुल उन फुटप्रिंट्स को फॉलो करता हुआ टेरेस पे पहुंच जाता है। वहां उसे तीन लोग दिखते हैं। लॉजिकल आर्मी, अब आप बताइए कौन सा आदमी था जो राज के घर में गया था? इन सबको देखिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। डोर के पास जो फुटप्रिंट था वो किसी जूते के थे। इन तीनों में लड़की ने हील्स पहने हुए हैं, ये लड़का नंगे पाँव है, बस इसने शूज पहने हुए हैं, मतलब ये वही था। मेहुल के पूछने पर वो आदमी बताता है कि उसको किसी ने पैसे दिए थे पूजा का मर्डर करने के लिए, और वो कहता है, मुझे कहा गया था कि डोर ओपन रहेगा, खून करना और भाग जाना, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि ऑलरेडी खून हो चुका था। मुझे ये नहीं पता ये मुझे किसने करने कहा था, डोर तो जरूर उसी आदमी ने खोला होगा जिसने फोन किया था। मेहुल सबके फिंगरप्रिंट्स लेता है और रोहित के फिंगरप्रिंट डोर के नॉब से मैच कर जाते हैं। तो रोहित, तुम हो ये सबके पीछे? नहीं नहीं, मैंने पूजा को नहीं मारा है, हाँ मैंने ही डोर ओपन करके रखा था किलर के लिए, पर जब मैं हॉल में आया तो पूजा का खून हो चुका था, मुझे लगा किलर ने मारा है, लेकिन अगर किलर ने नहीं मारा है तो मुझे नहीं पता पूजा को किसने मारा। मुझे और डिटेल में बताओ क्या हुआ था? तो कबीर कहता है, सर मैं और पूजा साथ में डांस कर रहे थे और फिर मैं टेबल पे ग्रास रख के वॉशरूम चला गया, हाँ थोड़ी देर के लिए लाइट जरूर गई थी, मैं रोहित की आवाज सुनकर तुरंत बाहर आ गया था। इंटरेस्टिंग। मेहुल लेफ्ट वाले दरवाजे से बाहर जाता है तो वो इलेक्ट्रिक बॉक्स की तरफ जाता है। मेहुल इलेक्ट्रिक बॉक्स के पास जाता है तो उसे वहां कुछ फुटस्टेप्स दिखते हैं। इन फुटस्टेप्स को देख के आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। आने और जाने के फुटस्टेप्स दो बार है, मतलब खूनी आया, लाइट्स ऑफ की और चला गया, फिर मर्डर किया, वापस आया, लाइट्स चालू किया और फिर वापस चला गया, मतलब लाइट के साथ भी छेड़छाड़ की और वो खूनी ने की। फिर सिमरन कहती है, मैंने नहीं मारा है पूजा को और मुझे कुछ नहीं पता है, मैं तो गार्डन में चले गई थी, जब मैं गार्डन में गई
तो पार्टी रूम में कबीर, पूजा और रोहित थे। मेहुल फिर गार्डन में जाता है और बारिश के वजह से उसे वहाँ कुछ फुटप्रिंट्स दिखते हैं। क्या आप इन फुटप्रिंट्स को देख के बता सकते हैं सिमरन सच बोल रही है या झूठ बोल रही है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। सिमरन के फुटस्टेप्स गार्डन में बस एक बार आए हैं और एक बार गए हैं। इसका मतलब सिमरन गार्डन में गई और रोहित की आवाज सुनकर वापस आ गई। फिर नेहा कहती है, मैं तो किचन में गई थी जूस लेने। राज भी वहीं था पहले से। हाँ, लेकिन राज थोड़ी देर के लिए किचन वाले वॉशरूम में गया था। वो लाइट जाने से पहले किचन वॉशरूम में गया था और लाइट आने के बाद वापस आया। इंटरेस्टिंग। सर सर सर, मैं वॉशरूम में ही था। मुझे रोहित की आवाज आई और फिर मैं और नेहा बाहर आ गए। मेहुल किचन वॉशरूम चेक करता है तो उसमें एक बैक डोर होता है जो सीधा बैक साइड वाले गार्डन में निकलता है, जहां पे इलेक्ट्रिक बॉक्स है। और इलेक्ट्रिक बॉक्स के दूसरे तरफ का रास्ता सीधे रूम की तरफ जाता है, जो रूम का लेफ्ट दरवाजा है। मतलब वहां से राज आ सकता है। लेकिन इलेक्ट्रिक बॉक्स के फुटप्रिंट्स को देख के मेहुल समझ जाता है कि राज वहां से नहीं आया है। क्यों? मेहुल को फुटप्रिंट्स देख के ऐसा क्यों लगा? सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। फुटप्रिंट जिस डायरेक्शन से आए हैं उसी डायरेक्शन में वापस जा रहे हैं। मतलब कोई अंदर से आया था और वापस उसी रास्ते से अंदर चला गया। अगर राज होता तो फुटप्रिंट्स एक तरफ से आते और दूसरी तरफ पार्टी रूम की तरफ जाते थे। अभी तक के क्लूज से कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मर्डरर कौन है। उतने में जिस ग्लास से मर्डर हुआ था उसके फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट भी आ जाते हैं। शॉकिंग, उस पर कबीर के प्रिंट्स के निशान मिलते हैं। लेकिन कबीर कहता है कि वो ग्लास टेबल पर रख के वॉशरूम चला गया था। बाकी दो रखे ग्लासेस के भी फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट आते हैं। पहला नेहा का होता है और दूसरा पूजा का। रोहित का ग्लास बाजू वाले रूम में मिलता है जहां वो कॉल पे बात करने गया था। मेहुल इन क्लूज को देख के पूरी मर्डर मिस्ट्री समझ जाता है। लेकिन क्या लॉजिकल आर्मी आप ये पूरी मर्डर मिस्ट्री समझ पाए? पूजा का खून किसने किया, कैसे किया होगा, क्या क्या हुआ होगा एग्जैक्टली? सोचिए, अच्छे से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। बेस्ट और राइट आंसर को मैं पिन करूंगा और आंसर वीडियो में शाउट आउट दूंगा। आंसर वीडियो आज शाम को पब्लिश होगा, लेकिन उसके पहले आपका आंसर जरूर दीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेहुल के सामने खाने की तीन चीजें रखी हुई है। इन्हें ध्यान से देखिए और मुझे बताइए खाने की कौन सी चीज में जहर हो सकता है, ए बी या सी। सोचिए और आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। सैंडविच पे जो कलर दिख रहा है वो ऑरेंज जूस है। फ्रेंच फ्राइज थोड़े ड्राई से लग रहे हैं, लेकिन पेस्ट्री को देखिए, उसमें मकड़ियां हैं। अगर मेहुल ने मकड़ी वाली पेस्ट्री खा ली तो हो सकता है वो पॉइजनस हो सकती है। ऐसी और पहेलियों के लिए आप डिटेक्टिव मेहुल गेम भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर और iOS स्टोर पे आपको मिल जाएगा। थैंक यू।